प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सब का उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम छठी कक्षा के विज्ञान का अध्याय सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आप क्या कुछ जानते हैं। जो जीव सांस लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हम कहाँ रहते हैं? ऊंट कहाँ रहते हैं? अब हम यह देखेंगे कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश, आवास व अनुकूलन, विभिन्न आवासों की यात्रा, सजीवों के लक्षण, सजीवों में श्वसन, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन, सजीवों में प्रजनन क्रिया, क्या सभी सजीव गति करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि पूरे संसार के सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। कुछ बहुत ठंडे हैं, कुछ गर्म हैं, कहीं सूखा है और कुछ स्थान नमी वाले हैं। परंतु सभी स्थानों की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं और वहां भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव रहते हैं। जैसे ठंडे स्थानों पर पोलर बियर रहते हैं, गर्म व सूखे स्थानों पर अर्थात मरुस्थलीय स्थानों पर ऊंट होते हैं, नमी वाले स्थानों पर बहुत सारी मछलियां, केकड़े, मगरमच्छ, मेंढक आदि हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर बकरी व याक आदि जीव रहते हैं। इसी तरह इन सभी क्षेत्रों में मिलने वाले पादपों की प्रजातियां भी भिन्न भिन्न हैं। जिस प्रकार ओक, चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, उसी प्रकार नागफनी, कैक्टस जैसे पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। आवास एवं अनुकूलन। बच्चों, विशिष्ट या विशेष शारीरिक संरचनाएं अथवा स्वभाव जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। आइए अब हम आवास के बारे में जानें। किसी भी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास अथवा उसका निवास स्थान कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल या रहने की जगह व अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि।
अब बात करते हैं जलीय आवास के बारे में। जल में मिलने वाले पौधों व जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहा जाता है, जैसे तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र और दलदल। जलीय एवं स्थलीय भागों में पाए जाने वाले वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं, यानी अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पाए जाने वाले घटकों को जैव घटक व अजैव घटकों में बांटा जाता है। जैव घटक किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीवित जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उस स्थान के जैव घटक कहलाते हैं। अजैव घटक या अजैविक घटक किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले चट्टाने, मिट्टी, वायु व जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं उस आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। आइए बच्चों, अब हम विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। स्थलीय आवास तीन प्रकार के हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र एवं घास के मैदान या घास स्थल। मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका में स्थित है। सभी मरुस्थल गर्म व सूखे होते हैं। इसका कारण वर्षा की कमी और ज्यादा वाष्पीकरण है। मरुस्थल में रहने वाले जीव एवं पौधे मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ऊंट। इसकी टांगें लंबी होती हैं, जिसके कारण उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट के शरीर में जल की कमी भी बहुत कम होती है। इसकी पीठ पर एक हम्प या कूबड़ होता है, जिसमें वसा जमी होती है। ऊंट की आंखों की पलकें भी लंबी होती हैं, जो इसे रेतीली वायु से बचाती हैं। ऊंट एक बार में 46 लीटर तक जल पी सकता है और फिर कई दिनों तक जल के बिना आसानी से रह पाता है। इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो इसे रेत में चलने में सहायता करते हैं। आइए बच्चों, अब हम मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात करें। कैक्टस यह मरुस्थल में उगने वाला एक सामान्य पौधा है। इस पौधे में पत्तियां कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके साथ इसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल के नुकसान में कमी होती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल को सोखने के लिए मिट्टी में बहुत दूर तक चली जाती हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जीव दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होते हैं। यह पर्वतों में होने वाली ठंड एवं बर्फ के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ वृक्ष सामान्य रूप से शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी पत्तियां
सुई के आकार की होती हैं। इसके साथ वर्षा का जल एवं बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक जाती है और पत्तियों पर नहीं जमती। इनकी शाखाएं भी तिरछी होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे कि याक एवं पहाड़ी बकरी। इन जंतुओं की मोटी त्वचा या इनके शरीर पर पाए जाने वाले फर ठंड से इनका बचाव करते हैं। अब बात करते हैं जलीय आवास की। समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु एवं पौधे होते हैं। वह जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे मछली। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। इसका यह आकार इसे जल में विचरण करने के लिए या जल में घूमने के लिए सहायता करता है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो इसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन करने एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली में गिल्स पाए जाते हैं या गलफड़े पाए जाते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जब वो जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते हैं। ये अपने सर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों के मुख्य लक्षण निम्न हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, सजीव वृद्धि दर्शाते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है। सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा यह अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव गति करते हैं। बच्चों, आवास दो प्रकार के हैं। पहला स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास। स्थलीय आवास में स्थल पर रहने वाले जीवित जीव जंतु आते हैं और जलीय आवास में जल में रहने वाले जीव जंतु आते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ की दोहराई कर ली जाए। विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं एवं स्वभाव जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, उसे अनुकूलन कहा जाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है,
उसका आवास स्थान कहलाता है। स्थलीय आवास एवं जलीय आवास आवास के दो मुख्य प्रकार हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैविक घटक कहलाते हैं और चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ऊष्मा हमारे परिवेश के अजैविक घटक हैं। चलिए बच्चों, अब हम मिलान करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पता होगा। जलीय पौधे का उदाहरण, जी हाँ, जलीय पौधे का उदाहरण है कमल का पौधा या कमल का फूल। मरुस्थलीय पौधे का उदाहरण कैक्टस। और स्थलीय पौधे का उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि सेब, आम, अमरूद आदि। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके उत्तर आते होंगे। ऊंट का आवास स्थान क्या है? ऑप्शन है जलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या घास स्थल। जी हाँ, ऊंट का आवास स्थान है मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा प्रश्न, मिट्टी, जल एवं वायु किसी आवास के किस प्रकार के घटक हैं? जैव घटक या अजैव घटक? बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर है अजैव घटक। तीसरा प्रश्न, मछली के गिल्स उसे जल में श्वसन करने में सहायता करते हैं, यह वाक्य सही है या गलत? जी हाँ, यह वाक्य सही है। मछली गिल्स के द्वारा पानी में श्वसन करती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, आप तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।